नमस्कार, रानी दुर्गावती शोध संस्थान जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर पवन जी, इस केंद्र के निर्देशक और अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रिय डॉक्टर अतुल दुबे जी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी जी, अन्य वे सभी महानुभाव जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा प्रतिभाग कर रहे हैं, मुझे ऐसे प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला में मैं आप सभी के साथ आज जुड़ रहा हूं। पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती और जनजातीय समाज। जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन, अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी विभूतियां सामने आती हैं जिन्हें हम सर्वकालिक अनुकरणीय विभूति कहते हैं। राजपूताना से लेकर के और गोंडवाना तक के क्षेत्र में ऐसी विभूतियां रही हैं जिन्होंने समकालीन व्यवस्था में जो विसंगतियां थीं, अतिवादिता थी, अत्याचार और अनाचार की स्थिति थी, उसे चुनौती देने में अग्रसर रही हैं। ऐसी ही विभूतियों में रानी दुर्गावती का नाम लिया जाता है। राणा प्रताप, राणा सांगा और रानी दुर्गावती वस्तुतः एक धरातल पर खड़े दिखलाई देते हैं, जहां तक समकालीन व्यवस्था जिसमें रानी दुर्गावती को शासन का कार्यभार अपने हाथ में लेना पड़ा था उसका संदर्भ है। उस समय अकबर नाम के एक शासक का बहुत ज्यादा महत्व था, जिन्हें भारतीय इतिहासकार अकबर द ग्रेट कहते हैं। किन कारणों से कहते हैं वे इतिहासकार जानते होंगे, लेकिन भारत में जितने बाहर से आकर शासन करने वाले लोग, यहाँ की व्यवस्था पर हमला करने वाले लोग रहे, उसमें अकबर सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति थे। कारण कि और बाहरी आक्रांताओं ने अथवा उस वंशज में उत्पन्न शासकों ने जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार किया, वहाँ पहले शासक थे अकबर जिन्होंने भारत के रक्त पर प्रहार किया था। इसलिए यह कभी महान हो ही नहीं सकते जिन्हें द ग्रेट कहा जाता है। उन्हें डिग्रेड करने का काम, औनत पर लाने का काम अथवा उनकी मर्यादा को छीन करने का काम जिन नायकों और नायिकाओं ने किया, उसमें राणा प्रताप, राणा सांगा और रानी दुर्गावती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारत के राजतंत्र के इतिहास में और तत्कालीन समाज में सुशासन स्थापित करने की दृष्टि से अथवा भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा, मान्यता और ज्ञान विधान को संरक्षित कर आगे ले जाने वालों में रानी दुर्गावती अग्रणी रही हैं, जिनका जन्म बांदा जिला जो आज उत्तर प्रदेश में है, वहाँ चंदेल वंश में हुआ और जिनका विवाह गोंडवाना के शासक के साथ हुआ। और इस तरह से दो राजवंशों का मिलन हुआ और फलतः जो पहला इसका परिणाम निकला वह शेर शाह का पराभव था। रानी दुर्गावती कई कारणों से जानी जाती हैं। इनके इतिहास, कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आप लोग इस संस्थान से संबंधित हैं तो विधिवत चर्चा करते होंगे, विमर्श करते होंगे और निश्चय ही अवगत भी होंगे। लेकिन मुझे जिन तीन बिंदुओं को रेखांकित करना है, इनका शासनकाल बहुत लंबा तो नहीं रहा, मात्र 14 साल के शासनकाल में तीन दृष्टियों से इनकी बहुत ज्यादा ख्याति है। एक ख्याति पराक्रम की दृष्टि से, शूरवीरता, साहस, संयम और आगे बढ़कर
किसी भी बैरी को ललकारने की क्षमता, उत्साह, उमंग और सामर्थ्य इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। दूसरा था इनका शिल्प विधान, निर्माण परक वृत्तियां, जिसके चलते इनकी बहुत ज्यादा ख्याति हुई। और तीसरा था इनका कुशल शासक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन। आरंभ करते हैं हम इनके वीर योद्धा होने से। अधीत काल में जब बचपन में इन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, तो जैसे झांसी की रानी को बाद में इनके बात की हैं, अपने अध्ययन काल में हथियारों से खेलना अच्छा लगता था, उसी तरह रानी दुर्गावती के बारे में भी यही जानकारी मिलती है कि उन्हें तीर कमान बहुत ज्यादा प्रिय था। संघर्ष, वीरता और संघर्ष में जय की क्या स्थिति होती है, इसमें इनकी घोर रुचि होती थी। तो जन्मजात इनके अंदर शौर्य और वीरता के गुण भरे हुए थे, इसलिए इन्हें बचपन में भी साहस की प्रतिमूर्ति कहा जाता था और अपने परिवार में इन्हें देवी के नाम से जाना जाता था, चंडी के नाम से जाना जाता था और वीर बाला के नाम से जाना जाता था कि यह युवती निश्चय ही आगे चल करके हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने का काम करने वाली हैं। यह इनकी सामर्थ्य थी बचपन में। और जब फिर गोंडवाना में इनकी शादी हुई, इनके पति का बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहना हुआ, तो फिर परिस्थितियां बदली और इन्हें बदली हुई परिस्थितियों में सत्ता की कमान संभालनी पड़ी। आरंभिक दौर में जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इनके तनय कम उम्र के थे, सभासदों ने, उस समय जितने भी लोग थे, उन्हें लगा कि रानी दुर्गावती जो मेधा, शौर्य और सौंदर्य तीनों की पुंज कही जाती थी, अगर इनके हाथ में कमान दी जाती है, शासन की बागडोर दी जाती है, तो निश्चय ही जनहित का कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। जो परिवेश था, अरण्य परिवेश, उसमें कैसे विकास हो, इसके बारे में इन्होंने सोचा। कृषि कार्य कैसे उत्तम हो, इसके बारे में विचार किया। जीव जंतु को कैसे सुविधाएं मिले, इसके बारे में सोचा। और इनके राज्य के गोंडवाना राज्य के जो नागरिक हैं, यात्रा पर निकलते हैं अथवा कहीं कार्यस्थल पर जाते हैं, तो उनके लिए जल प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इसलिए सरोवर, सड़क, बावरी और कूप, इनका बहुतायत निर्माण इन्होंने करवाया। और कह सकते हैं कि प्रकृति के जल को सीधे संग्रहित कर सदा सदा के लिए सुरक्षित करने का काम उन्होंने किया था, जिसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें याद है, जो अब नहीं है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम, जिन्हें ऋषि कलाम भी कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि भारत की कृषि परंपरा को आगे ले चलने के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक जल के स्रोत सुरक्षित रखे जाएं। बहुत पहले 1550 में ही इसके बारे में रानी दुर्गावती ने विचार किया था, इसलिए पथ, सरोवर, नीर और जल स्रोत का विशेष प्रबंधन उनके समय में किया गया था। लोगों की एक दृष्टि बने, लोग निर्माण में रुचि लें, इसलिए स्थापत्य का अद्भुत कार्य उनके समय में हुआ था। चंदेल राजाओं ने और गोंडवाना में रानी दुर्गावती ने इसमें विशेष रुचि ली, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे भवन बने, मदन भवन, खजुराहो का भी संबंध जोड़ा जाता है, कलिंजर का किला, यह सब उनके नाम से चिन्हित होते रहे। इसलिए स्थापत्य के क्षेत्र में उनकी अद्भुत और अनुपम उपलब्धियां हैं, जहां आज भी जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं और देखने की कामना करते हैं।
एक ऐसी शासक जिन्हें जनहित की चिंता हो, जिनके मन में लोक कल्याण करने का भाव हो और जिनके अंदर अस्थाई आकर्षक स्थापत्य का विधान हो, उन्हें हम रानी दुर्गावती के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस अंचल में, जिसे आदिवासी अंचल कहा जाता है, कई प्रकार की क्रांति की ज्वाला पैदा की। निर्माण की क्रांति, कृषि के क्षेत्र में क्रांति, वन संरक्षण की क्रांति, जल जीव जंतु का समन्वय करने की क्रांति, यह सब उनकी देन कहा जाता है। लेकिन सर्वोपरि इतिहास में जिन कारणों से वह विज्ञ हैं, विख्यात हैं, वह है उनका शौर्य। मैंने आरंभ में ही अकबर के बारे में बताया कि एक घातक किस्म के शासक थे जिनका नाम था अकबर, जिनके चलते राणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा और पुनः फिर उनके आने के बाद अकबर के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। एक ऐसा आत्मविश्वासी राष्ट्रभक्त नायक राणा प्रताप, जिसके अंदर समर्पण का कोई भाव ही नहीं था, समर्पण था तो मातृभूमि के प्रति। वही भाव, मातृभूमि के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव रानी दुर्गावती में कूट कूट कर भरा था। उनका यश, उनका तेज इतना अधिक था कि सहज आकर्षण उनके प्रति वैरी राष्ट्रों का होने लगा था। एक मान्यता उस समय चल गई कि उनका इतना उत्तम सुशासन है जिसके चलते गोंडवाना वैभव का क्षेत्र है, धन संपदा के मामले में समकालीन राज्यों से बहुत ज्यादा उन्नत, समन्नत और समृद्ध है। इसलिए समकालीन मुस्लिम शासकों की कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ी, लेकिन उस कुदृष्टि का दमन करने की सामर्थ्य जिसमें हो, उसे ही रानी दुर्गावती कहते हैं। मैंने बताया आपसे कि एक तो विवाह के समय ही शेरशाह सूरी को पराजित करने का श्रेय मिला इस गोंडवाना राज्य को, और बाद में शेरशाह सूरी रहा भी नहीं, बाद में उसकी संतान दलपत शाह, उसके बाद फिर उसकी मृत्यु के बाद सूरत खान, बाज बहादुर, इन लोगों ने भी इस राज्य पर हमला करने की कोशिश की और सभी क्रमशः पराजित और पराभूत होते रहे, क्योंकि युद्ध में उतरते ही रानी दुर्गावती रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी। यह सामर्थ्य थी कि उनके सामने हजारों हजार सैनिक आंख नहीं मिला सकते थे और बिजली की गति से कब किसका सिर धड़ से अलग कर देती थी यह पता ही नहीं चलता था। इसलिए उन्हें देखने मात्र से ही उस समय के मुस्लिम शासकों की सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी। लेकिन इसी बीच जब इनकी ख्याति बहुत बढ़ी, मुस्लिम शासक क्रमशः परास्त होने लगे, आसपास के थे, इनकी ख्याति अकबर तक पहुंची और उसने फिर अपने एक सेनापति आसफ खान को इनके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके पूर्व अब्दुल माजिद खान पराजित हो चुके, सूरत खान पराजित हो चुके, सब क्रमशः पराजित होते गए, लेकिन आसफ खान ने पूरी तैयारी की थी। पहला शासक इस देश का जिसने अपने तेज से अकबर को निस्तेज किया, वह रानी दुर्गावती ही थी। लंबी अवधि तक लड़ाई चली आसफ खान के साथ और अंत में जैसे जैसे उसकी सेना का संख्या बल बढ़ता गया, इनकी सेना का मनोबल बढ़ता गया, तब तक तो लड़ाई बराबरी की रही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब कई दिशाओं से रानी की सेना पर हमले होने लगे और इनके ऊपर बैरी का बाण लगा और इन्हें लगा कि अब बचना संभव नहीं हो पाएगा, तो अपने पुत्र को अपने किला में वापस भेजा कि उसकी रक्षा करो, अपनी जनता की रक्षा करो और मैं इस आसफ खान को सबक सिखाती हूँ। वस्तुतः उसकी सेना का अधिकांश हिस्सा खेत रहा, लेकिन अंत में रानी को लगा कि जो बच गए हैं शायद उनसे घिर जाने की स्थिति में
मैं पकड़ न जाऊं, उन्होंने स्वयं अपने कटार से अपने को प्रकृति के हाथ में रख दिया और वह तिरोहित हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई। भारत माँ का नमन किया, गोंडवाना का नमन किया और स्वयं रणचंडी का दूसरे रूप में नमन करते हुए और माँ से आशीर्वाद मांगा, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा कि हमारा यह क्षेत्र गोंडवाना सदैव हरा भरा रहे, सदैव सुरक्षित रहे और एक निश्चित अवधि के बाद यह जो आतताई हैं इनका केवल विनाश न हो, इनका पूर्ण निर्मूलन हो जाए और इस क्षेत्र में इनका अस्तित्व न रहे। ईश्वर ने उनकी कामना पूरी की और यह क्षेत्र उनसे मुक्त है। उनके वंशज जो रह गए वह आदिवासी समुदाय के रूप में जाने गए। उसी कड़ी में हम आगे जब वीरता का इतिहास पढ़ते हैं तो बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास मिलता है और हमारे क्षेत्र में बिरसा मुंडा का इतिहास मिलता है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी युवाओं की फौज तैयार की और उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश किया। जीते जी उनको पकड़ने की स्थिति में कभी अंग्रेजी हुकूमत नहीं आ सकी। धोखे से पकड़े भी गए तो उनको बिना अपराध के पकड़ा गया, कोई साक्ष्य नहीं मिला और सजा होने से पूर्व ही उन्हें जहर देकर मारने का पाप कर्म अधर्म अंग्रेजों ने किया, जिसका कुफल उन्हें भोगना पड़ा, इस देश से उन्हें जाना पड़ा। यह इतिहास है इस अंचल के नायकों का, नायिकाओं का और शासकों का। यह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत पहले से ही रामायण काल से लेकर के भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण के समय और आज तक किसी भी महत्तम कार्य में आदिवासी समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान राम के समय कोल, भील, निषाद उनके सहयोग में खड़े रहे। भगवान कृष्ण के समय भील और किरात का उल्लेख हमें मिलता रहा, उसी में से एक व्यवस्था अगरिया समुदाय की भी है जिसकी चर्चा थोड़ी करनी है। आज हमारा आदिवासी अंचल जिसमें कोल, भील, किरात, अगरिया, गोंड, वैगा ये प्रमुख नाम हैं जिनके निवास करने से यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय निष्कलुष निष्पाप समुदाय कहा जाता है। कामना रहित, संतोष युक्त, भय रहित, भय मुक्त जिन्हें कहा जाता है, जो जन, जंगल, जमीन और जंतु के साथ समन्वय रखने वाले लोग हैं, जो भारत की समृद्ध परंपरा को, सनातन संस्कृति को अपने अंदर सहेजे हुए लोग हैं, जिनके अंदर पराक्रम भी है, पौरुष भी है, अपनी पहचान बनाए रखने की ललक भी है और हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता भी है। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन की व्यवस्था में, प्रक्रिया में जिसे आधुनिक सुख सुविधाएं कहते हैं, वह इस अरण्य अंचल तक अब पहुंचने लगा है, पहले नहीं था। आहार, आवास, आवरण और आवागमन के साधन और व्यवस्था ये सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है। इस क्षेत्र में अब इधर आवागमन के साधन बढ़े हैं। आवागमन के साधन बढ़ने के साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था हुई है और शिक्षा की जोत के साथ ही साथ आय और आजीविका के बारे में विधान होने लगा है। यह कर्मशील समुदाय है, इसका प्रकृति से बहुत ज्यादा सामिप्य है। हर जनजातीय समुदाय का एक देवता है और हर देवता के लिए एक प्रतीक वृक्ष है जिसमें उसका निवास माना जाता है। हर जनजातीय समुदाय की
एक विशेषता है। जैसे एक जन समुदाय है अगरिया, यह लौह कला में विज्ञ विशेषज्ञ समुदाय कहा जाता है, जिसके पास उस परंपरागत ज्ञान की अथाह थाती है, जिसके माध्यम से वो धरती पर मिट्टी हटाकर पहाड़ों पर बता सकते हैं कि किस जमीन के अंदर लौह अयस्क है, और अपनी शैली से वह उस लौह अयस्क को उस लौह धातु में बदलते हैं जिस पर जंग ही नहीं लगता। हमारे देश में मेहरौली का स्तंभ लेख है जिस पर जंग नहीं लगता, और दुनिया में जंग रहित लौह बनाने वाला इकलौता देश भारत ही है। उस भारत देश में यह समुदाय, बहुत सारे लोग इसके जंग रहित लोहा बनाते हैं। आज आवश्यकता है उनके इस ज्ञान विधा को और आगे ले चलने की और उससे भारत को समृद्ध करने की। उनके बारे में यह भी मान्यता है कि महाभारत काल में जितने भी हथियार बने उसमें इस समुदाय की विशेष भूमिका थी। एक समुदाय है जिसे वैगा समुदाय कहते हैं। वैगा शब्द वैद्य से बना है। इन्हें वनौषधियों की बहुत ज्यादा जानकारी है। इतना जानकारी कि किस वनस्पति में कौन सा औषधीय गुण है यह समुदाय विधिवत जानता है। कालांतर में इन्हें वैगा कहा जाने लगा। इसी समुदाय में गुनिया और ओझा भी मिलते हैं, जो ये बताने का काम करते हैं कि किस तरह से किस बीमारी का निर्मूलन किया जा सकता है। कुछ परंपराएं भी इनके साथ आ गईं, कुछ रूढ़ियां भी इनके साथ आ गई, जिसके निवारण का अब समय आ गया है और उस पर भी काम होने लगा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, स्वयं हमारे विश्वविद्यालय में यह कार्य हो रहा है। इस तरह से इस समुदाय के विकास के बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं। एक जनजातीय समुदाय है गोंड, जिसे चित्रकला में महारत हासिल है। इस प्रकार का चित्र जिसे देखकर सहज अनुमान ही नहीं हो सकता कि यह आज के मनुष्य ने बनाया है। ऐसी चित्रकारी जो अमिट हो, उसमें रंग भरने का भाव अद्भुत है, जिसमें सृजन और निरंतर अभिवृद्धि के प्रतीक होते हैं। आप सभी ने मछली की जानकारी रखी होगी। मछली के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि वर्धनताम शब्द का द्योतक मछली है, जिसमें बहुत ज्यादा वंश वृद्धि होती है। वैगा चित्रकला में किसी न किसी रूप में मछली या देवी देवता का अवश्य ही विधान होता है, जो गुण चित्रकला है। वैगा शिल्प कला में भी पारंगत होते हैं, न केवल वैदकी में। स्थापत्य कैसे एक अच्छा आवास बन सकता है, कैसे अच्छी झोंपड़ी बन सकती है, कैसे आकर्षक भवन बन सकता है, इसकी दक्षता हमारे वैगा जनसमुदाय में है। दो और जनसमुदाय हैं, किरात और भील, जिन्हें शस्त्र ज्ञान में सिद्धि मिली हुई है। आप सभी ने अगर महाभारत का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि किरात कितने कुशल थे शस्त्र कला में और शौर्य के क्षेत्र में, कि भगवान शिव को स्वयं भी किरात बनना पड़ा था अर्जुन को शिक्षा देने के लिए। इस तरह जितने जनजातीय समुदाय हैं और भी, इनके अंदर अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत क्षमता है, अद्भुत शिल्प है और अद्भुत दृष्टि है। आज जरूरत है कि इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो सोच है, इसे राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर लाने की। हाल के संदर्भों में अब आज का जो दौर है, कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु का दौर है, जिसमें पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। हमारे इस आदिवासी परिवार के बहुत सारे लोग प्रगति के दौर में देश और विदेश के विभिन्न अंचलों में आय और आजीविका के लिए गए हुए थे, लेकिन इस विषाणु के प्रकोप के चलते सबको वापस अपने स्थल पर आना पड़ा है। इसलिए एक नई व्यवस्था की जरूरत है कि हम स्थानीय स्तर पर ही अपने ऐसे भाई बंधुओं को, परिवारिक जनों को आय और आजीविका का साधन सुलभ कराएं।
इसलिए स्थानीय स्तर पर अध्ययन के साथ ही साथ प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि यह क्षेत्र और यहाँ के निवासी स्वावलंबी बने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करें। हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के उपज को प्रामाणिकता प्रदान करता है। हम उस दौर का अगर स्मरण करें जिसमें व्याधियां नहीं थी, तो हम जो अन्न ग्रहण करते थे, सावा, टांगून, मड़ुआ, कोदो, जिससे हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता था। कोरोना के दौर में एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है, स्ट्रेस और अवसाद जिसे कहते हैं। पूरी दुनिया में साथ साथ रहना अच्छी चीज है, लेकिन आज के दौर में कार्यस्थल से दूर होना एक चिंता का विषय है, तो दुनिया के विभिन्न देशों में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है। उस अवसाद को मुक्त करने में जो उपाय हैं, वह न्यूट्रिशन, पोषक आहार, रिक्रिएशन, मनोरंजन, एजुकेशन, शिक्षा और मेडिटेशन अर्थात ध्यान, इस चार के माध्यम से हम उसका निवारण करते हैं। जो न्यूट्रिशन है, इसका सर्वश्रेष्ठ तत्व इसी अंचल में मिलता है, जिसे हम रेवा खंड कहते हैं अथवा आदिवासी अंचल कहते हैं। यहाँ वनौषधियों की भरमार है। आप सब भी जानते होंगे कि यहाँ ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे हड्डी टूटने पर हड्डी जुड़ जाए, जिन्हें मूसकर्णी कहते हैं, घृत कुमारी है जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, हमारे यहाँ गिलोय है बहुतायत जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, हर घर में तुलसी है सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक, सीकाकाई है, सारी वनौषधियाँ इस क्षेत्र में मिलती हैं, जिनका हम प्रयोग करें तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपको सुनकर जानकर आप जानते भी होंगे, आश्चर्य होगा कि इस कोरोना का कुप्रभाव अगर किसी अंचल पर न्यूनतम है, तो वह यही अंचल है जहां हम आप बैठकर संवाद कर रहे हैं। यह ताकत है इस क्षेत्र की, इसलिए ताकत है कि हाँ, माँ नर्मदा की धारा है, जोहिला की धारा है, अरंडी की धारा है, सोन की धारा है, इतनी नदियों से संतृप्त यह धारा सबको धवल करने वाली है, सबको रोग मुक्त करने वाली है। इसलिए हम पहले तो वनौषधियों से संबंधित उद्योग स्थापित करें। फिर वनोपज है इस क्षेत्र में, साल के वृक्ष बहुतायत हैं, साल, चीड़, बट, आम, यह बहुतायत है, यह आम्रकूट भी कहा जाता है। मेघदूत में कालिदास ने इस क्षेत्र का वर्णन आम्रकूट के रूप में किया है। ऐसे अच्छे हमारे पास वृक्ष हैं, हिंदुस्तान का इकलौता क्षेत्र जहाँ साल का जंगल सुरक्षित है। हमें इस पर ध्यान देना है कि उनकी पत्तियों से हम कैसे खाने का पात्र बना सकते हैं। अर्जुन के वृक्ष बहुतायत हैं, उनकी छाल से हम कैसे अर्जुनारिष्ट बनाएं, हृदय के रोग को बचाएं, यह हमारे क्षेत्र में होता है। कौन सी वनौषधि है, कौन सी वनस्पति है जो इस अंचल में नहीं है, हमें इस वनोपज को आधुनिक फलक पर उतारना है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनका यह कथन कि बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर लोकल द ग्लोबल, इस पर हमें काम करना है कि जो हमारा स्थानीय उपज है, स्थानीय उत्पाद है, इसके लिए हम मुखर बने और इसे वैश्विक धरातल पर ले जाएं, यह आवश्यक है, इस पर हमें विचार करना है। फिर शिक्षा के माध्यम से हमें क्रांति करनी है। इस क्षेत्र में अभी शिक्षालयों की संख्या बहुत नहीं है, इसलिए एक निश्चित दूरी पर इंटरमीडिएट विद्यालय खोलने की प्रक्रिया में सरकार है। अभी भारत सरकार ने दो जिलों को औद्योगिक दृष्टि से चिन्हित किया है, जहां आय आजीविका के साधनों के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। हमारा विश्वविद्यालय स्वयं एक प्रोजेक्ट लेकर के आया है जहां इस पर काम होगा। हमारे विश्वविद्यालय में कोदो और शहद
का एक तरह से ब्रांडिंग होती है, उनकी पैकिंग होती है, उनका शुद्धिकरण होता है। इस तरह से अनेक उत्पाद हैं इस क्षेत्र में जिस पर काम किया जा सकता है। हमें जानकर अच्छे प्रसन्नता होती है, आप सब भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो यह सदा नीरा प्रवाहित हैं, यह किसी ग्लेशियर से इनका आगमन नहीं होता, यह शिखर से इनका आगमन तो होता है, लेकिन उस शिखर पर वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, जो अपनी जड़ों में जल संग्रह करके इन पवित्र नदियों को निःसरित करते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे वृक्षों का संरक्षण करें, और प्राचीन भारत की जो ऋषि परंपरा रही है जिसमें कंदमूल खाने का विधान रहा है, हम उस पर भी अध्ययन करें जो इस क्षेत्र में बहुतायत है। अगर हम उस कंदमूल को पुनः संरक्षित करें, उसकी खेती करें ऐसे पौधों की, तो हम अन्न का एक और छोटा ही सही लेकिन उत्तम विकल्प तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें पौष्टिक आहार तो मिलेगा ही, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, और कंदमूल तो व्याधि मुक्त करने के सबसे बड़े उपाय हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे ऋषि महर्षि तो हजारों वर्ष तक जीवित होते थे और उनका आहार कंदमूल ही होता था। इस क्षेत्र में भी हमें काम करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हर अंचल में हम आंचलिक परिवेश और संसाधन को ध्यान में रख करके स्किल डेवलपमेंट का काम करें, इनोवेशन का काम करें, स्टार्टअप का काम करें, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके, वह स्वयं आत्मनिर्भर बने, औरों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करें। भगवान न करें कि ऐसा अदृश्य विषाणु फिर कभी आए, लेकिन बाहर जो जाते हैं उनके लिए जो महानगरीय संस्कृति है, विकास का विधान है, वहाँ भी एक नए प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो कामगार, अभियंता, चिकित्सक कहीं से भी जाते हैं तो उनके लिए भी अस्थायित्व की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो उनके स्थान छोड़ने की स्थिति ना बने। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्थानीय अंचल पर ही हम अपने युवाओं को रोजगार प्रदान करें, जो यहाँ के निवासी हैं उनकी नैरोग्यता का प्रबंध करें, वनौषधियों का आधुनिक दृष्टि से हम प्रयोग करें, प्रशिक्षण करें, पेटेंट करें, और दुनिया भर में मनुष्यता के उद्धार का हम स्वयं उपाय निर्मित करें। यह हमारी आंचलिकता की मांग है, इसकी विशेषता है और इसकी सामर्थ्य भी है। आइए हम सभी मिलकर उनका ध्यान करें, रानी दुर्गावती का, जिसने अकबर जैसी शख्सियत की सेना को 3 बार पराजित किया, जिन्होंने इस अंचल के लोगों को शौर्य का संदेश दिया, वीरता का उपदेश दिया, और जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव भरा। हम उनका नमन करें, हम बिरसा मुंडा का नमन करें जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हम इस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी समुदाय के सभी लोगों का नमन करें जो निष्कलुष हैं, निष्पाप हैं, जिनके अंदर सहयोग की वृत्ति है, समन्वय की वृत्ति है, जिनके अंदर सद्भाव की भावना है। वह सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, इसकी शुभकामना। आइए हम सब मिलकर, हम सभी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आने वाले दिनों में यथाशीघ्र भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, निरोग, समर्थ, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें, अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।